अभी कुछ ड्राइविंग के वीज़े आए हुए हैं, अगर आप में से कोई भी नए बंदा है, न्यू बंदा ड्राइविंग में जाना चाहता है तो जाके इसको नाम रखा गया है बिग बैग। देखिए, देख रहे हैं ना, पानी आ रहा है मुँह में। मैं रहा नहीं जा रहा मुझसे, मैं एक बाइट ले लूँगा उसके बाद ही बात करूँगा आप लोगों से। हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम आउट टू चैनल। मैं हूं आपका दानिश और आदि और ब्लॉग्स। सो गाइस, पूछते हैं आप लोगों से पहले, कैसे हैं आप लोग? इंशाल्लाह आप सभी अच्छे होंगे, अल्हम्दुलिल्लाह। आपको भाई भी अच्छा है, और जैसे कि आप लोग जानते हैं कल का दिन बहुत ही हैक्टिक था मेरे लिए, छोटे लड़के के लिए, फिर बड़े लड़के के लिए, फिर उसके लिए, बहुत हर जगह घूमना पड़ा कल। एनीवेज, कल की बात नहीं करते हैं, शुरू करते हैं आज का ब्लॉग। और अभी टाइम हो रहा है 2, और अभी इब्राहिम का फ़ोन आया है, इस शक्ल से ही आ रहा है, जैसे कि अभी जाना है मुजहमिया, तो चलते हैं मुजहमिया, और जो भी होगा आगे आप लोग को बताएंगे। बने मेरे साथ वीडियो में, चलते हैं, लेट्स गो। घंटे का लेट्स गो, साला ट्रैफिक ट्रैफिक ट्रैफिक, जहाँ देखो बहन का भैया हर जगह ट्रैफिक ही मिलता रहता है। इतनी दूर से चले आ रहे रेंगते हुए, कीड़े की जाल, कीड़े की चाल, भेड़ की चाल। तो गाइज, अभी टाइम हो रहा है 4:10, और जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था, लगभग 2 बजे के आसपास मैं जा रहा हूँ इब्राहिम के साथ। तो मैं यहाँ पर लगभग 3:30 बजे आ गया था, तो बहुत तेज़ भूख लग रही है, अभी तक मैं बैठा था। थोड़ा टाइम हो जाए फिर चलते हैं। तो मैं जा रहा हूँ कुछ खाने के लिए, उसी होटल में जाएंगे जहाँ लास्ट टाइम मैं गया था। चलते हैं, कुछ होता है मिलता है तो खा लेते हैं। और मेरे भाई लोग बोलते हैं, भाई तुम अक्सर बाहर ही खाते हो, क्या करें यार, ऐसा सीन ऐसा हो जाता है, सो के उठोगे तो मतलब इतना टाइम तो होता नहीं कि तुम खा पाओ, तो बाहर तो खाना ही पड़ेगा ना, भूख लगे तो खाना ही पड़ेगा, और भूख तो बर्दाश्त है नहीं। हाँ, जो लोग कर सकते हो ना खाएं, लेकिन मेरे तो नहीं होती है। बेशक मेरा खाना, सच्ची सच्ची बताऊँ, शायद मुझसे कम कोई खाना खाता होएगा लड़कों में, क्योंकि मेरा बहुत कम खुराक है, बहुत कम खाना खाता हूँ, लेकिन क्या कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं उसके लिए, अब खुराक कम है तो कम है, तो अभी जा रहा हूँ खाने के लिए। मेरी खुराक कम है लेकिन मैं भूख टाइम पे लगती है। एक घंटे बाद मिला है पराठे और चाय, क्योंकि बाद में बताता हूँ आप लोगों को क्यों देर में मिला है, लेकिन एक घंटे बाद मिला है। अभी 4:30 बजे आया था मैं, 5:30 बज गया है एक्चुअली। जब मैं यहाँ पर आया था ना, तो उस टाइम पर क्या था, खाने का टाइम नहीं था, तो इसकी वजह से ये लोग, इन्होंने बोला थोड़ा रुको, मैं प्रिपेयर कर रहा हूँ, बना रहा था पराठे वगैरह बना रहा था उस टाइम पर, तो मुझसे बोला थोड़ा रुको। रुकते रुकते 1 घंटे हो गया, अभी अल्हम्दुलिल्लाह खा के थोड़ा बाहर निकले हैं, देख रहा हूँ अंधेरा होने को है, जब धूप थी तब निकले थे। तो ठीक है, चलते हैं, बैठते चल के वहीं पर, हाँ मगरिब का टाइम हो गया, चलते नमाज़ पढ़ते चल के। तो गाइस, अभी टाइम हो रहा है इशा का, और जैसे कि आप लोग को मैंने बताया था कि मैं जब होटल पे गया था, तो एक्चुअली यहाँ पर मस्जिद जो है ना है, लेकिन रोड पे कोई मस्जिद नहीं है। तो मैं गली के अंदर आके नमाज़ पढ़ने के लिए आया था, तो अभी क्या है, मैं यहीं पर खड़ा हूँ मगरिब के टाइम से, यहीं पर खड़ा हूँ। मैंने कहा ईशा की नमाज़ पढ़ लें, क्योंकि 1 घंटे का टाइम होता है मगरिब से ईशा के बीच में, तो मैंने कहा ईशा की नमाज़ पढ़ लेंगे उसके बाद ही जाएंगे। तो पीछे देख सकते हैं आप लोग, मस्जिद है। और आप लोग को एक सवाल का जवाब देना था, मुझसे किसी ने पूछा, मुझे याद नहीं, काफ़ी दिन पहले का सवाल है ये, कि भाई
अगर एक ड्राइवर अगर घर पर जाता है तो अगर ड्यूटी ज़्यादा ना हो तो क्या बाहर काम कर सकते हैं? तो जैसे कि मैं आपको बता दूं कि सहवाग खास का मतलब ही ये होता है कि आप सिर्फ उन्हीं के घर में रहना, उसी का काम करना है। लेकिन अगर आप कफील आप पे ज़्यादा ध्यान नहीं देता है, ज़्यादा रोक टोक नहीं करता है, तो आप कर सकते हो, काम नहीं कर सकते हो। जैसे कि नॉर्मल लोग यहाँ पर, बहुत से लोग ऐसे मैंने देखे हैं कि आते हैं, उनके घर में ज़्यादा ड्यूटी नहीं है, तो आप वो क्या करते हैं, अगल बगल की गाड़ियाँ पकड़ लेते हैं। अगर अगल बगल की, अगर आपको लैंग्वेज आती है अरबी, तो अगल बगल की गाड़ियाँ बोल दीजिए, अगर साफ़ करने के लिए बोलते हैं तो साफ़ करने के लिए पकड़ लीजिए, 100 रियाल एक गाड़ी का मिलता है महीने का, और 3-4 गाड़ियाँ पकड़ ली है, फिर किसी का घर धुलना है तो घर धुलने का पकड़ लो, तो उसमें आप काम कर सकते हो। लेकिन कब, जब आपका कफील रोक टोक नहीं करता है तो। और इस चीज़ के लिए कभी आप लड़ाई मत करना कि ड्यूटी नहीं, मतलब ड्यूटी नहीं है तो हम कर रहे हैं, क्योंकि आप सवाग खास हो, वो आपको पैसा देता है 24 घंटे का, ना कि सिर्फ ड्यूटी का। तो सवाल था, और बहुत से लोगों को हो सकता मन में जवाब, मतलब कि क्वेश्चन हो ये सवाल का, ये सवाल बहुत से लोगों के मन में होगा कि यार क्या अगर ड्यूटी नहीं है ज़्यादा तो कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, क्योंकि यार पैसा हर इंसान को प्यारा होता है, हर इंसान यहाँ पर आया पैसा कमाने के लिए। तो लोग चाहते हैं कि अगर 1500 इधर मिल रहा है तो 2-4-500 रियाल बाहर से मिल जाए, ताकि पैसा ही बचेगा अपना ही है। लेकिन अगर कफील ज़्यादा रोक टोक नहीं कर सकता है तो बेशक आप कर सकते हो, लेकिन अगर रोक टोक करता है तो आप नहीं कर सकते, क्योंकि सवाग खास का मतलब ही यही होता है कि सिर्फ उन्हीं के घर में रहना है, खाना है पीना है बस, ड्यूटी हो चाहे ना हो। और बहुत से कफील तो मैंने ऐसे देखे, मेरा एक दोस्त है यहीं पर मेरे घर के नज़दीक ही है, मैं उसके पास जाऊँगा कभी आप लोग को मिलाऊँगा, उसका क्या है, ड्यूटी नहीं है, उसके घर में ज़्यादा ड्यूटी नहीं है, जबकि ड्यूटी ना होने के बावजूद उसने 2 ड्राइवर रखे हैं, जबकि ड्यूटी नहीं है। अगर एक ड्राइवर भी रखेगा ना तो ड्यूटी उसके लिए काफ़ी है, लेकिन उसने 2 ड्राइवर रखे हैं। लेकिन उसका कफील जो है कुछ है, बड़े पोस्ट पे है, पुलिस वाली बड़ी पोस्ट पे है कोई, वो तो जिसकी वजह से ड्यूटी नहीं है, लेकिन बोलता है घर से बाहर नहीं निकलना है तो सोच लो, बोलता है ड्यूटी नहीं है फिर भी मैं चला जाऊँगा। अब बताइए ऐसे ऐसे लोग पड़े हैं, क्योंकि उसको घर से बाहर नहीं निकलने को मिलता है, दिन भर घर में घुसे रहो ड्यूटी हो चाहे ना हो घर पर घुसे रहो। तो बताओ क्या, कैसे कैसे लोग पड़े यहाँ पर, बताया ना, यहाँ के लोग आधे पागल होते हैं। तो अभी यहाँ पर खड़ा हो, पीछे देख सकते हैं पार्क है, पार्क क्या है यार, ऐसा झूले, बच्चों के लिए झूला वूला बनाया गया है, लेकिन यहाँ मिट्टी है, घास नहीं है, तो बहुत मुश्किल है कोई खेलने आता भी होगा यहाँ पर। ये देख रहे हैं ना, ये रेत है, और इधर झूले वूले लगे हैं, लेकिन बहुत मुश्किल है कि बच्चे खेलेंगे, कोई भेजेगा ही नहीं, अगर घास वास होती तो शायद भेज देते थे। सो दोस्तों अभी हम लोग यहाँ से निकल चुके हैं, और अभी जा रहे हैं 25 नंबर एग्जिट 25, तो देखते हैं वहाँ कितना टाइम होता है, डंडा में नहीं, मे बी मेरे ख्याल से 3-4 बज जाएगा, जो भी होगा बताएंगे आप लोगों को, और चलते चलो। और आप लोग को एक अभी वीज़े के अपडेट देने दिए, मेरे पास कुछ वीज़े आए हैं तो आप लोग को भी बताते हैं हम पहुँच के वहाँ। ठीक है, तो गाइज अभी मैंने इब्राहिम को उसके, मतलब एक कैफ़े पर छोड़ दिया है, उसके दोस्त को पिक किया, उसके बाद इब्राहिम को और उसके दोस्त को कैफ़े पर छोड़ दिया एक, तो अभी यहाँ पर छोड़ने के बाद मैं फ्री हो जाता हूँ। अब मैं कहाँ जाऊँ मुझे कोई कुछ मालूम नहीं है, मतलब मालूम है, लेकिन देखो मैं, मेरा क्या है ना, मेरे बहुत सारे दोस्त हैं यहाँ पर, लेकिन इतनी रात में मैं किसी को परेशान नहीं करना चाहता हूँ कि यार मैं जाऊँ उनके रूम पर, उनके सोने का टाइम है, मैं उनको परेशान कर दूँ जाके, उनको सोने ना दूँ, यार मैं नहीं सो रहा हूँ, मेरी ड्यूटी उनकी ड्यूटी नहीं है ना। तो मैं ऐसा बंदा हूँ, अगर आप में से कोई भी 26, 27, 28 के बीच में है, कमेंट करो, मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज करो, मैं जब भी यहाँ पर आऊँगा तुमसे, मतलब हमेशा नहीं मिलूँगा आके, जब जितने लोग भी यहाँ पर हैं उनके साथ मैं आके व्लॉग बनाऊँगा, तो जितने लोग 26, 27, 28, 25 जहाँ पर भी हैं मैसेज करो, मैं आपके पास आके आपका व्लॉग बनाऊंगा। 2000 years later तो ये यहाँ है अलबेक, चलते हैं आज कुछ खाते हैं अलबेक से, क्या ले, भूख तो लग रही बहुत तेज़, क्योंकि अभी रात के हो गए हैं 11:30, और जैसे कि आप लोगों को मैंने बताया था, तो अभी मैं टाइम पास कर रहा था तो भूख लगी, तो मैंने कहा चलते हैं अलबेक आज खाते हैं, तो चलते हैं अंदर देखते क्या क्या अवेलेबल है।
और जो भी होगा बताएंगे आप लोग को। चलते हैं अंदर। नॉर्मली जितने अलबेग में जाता हूँ सब में बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, लेकिन यहाँ पर भीड़ नहीं है। नहीं यहाँ पर भीड़ है, नहीं इधर भीड़ है। यार क्या ही बोला जाए, बहुत तगड़ी वाली। बाहर तो सर्दी है ही है, अंदर इतनी तेज फैन चलाया था ना, मतलब कि एसी का फैन इतनी तेज करे था कि भाई साहब क्या ही बोला, इतना ज्यादा अंदर ठंडा था कुछ कहने। मैंने बोला, सबसे बोला भाई एसी थोड़ा कम कर दे यार, बोलता ठीक है कोई दिक्कत नहीं। वो लोग अंदर खड़े रहते हैं, अंदर गर्म रहता है और मैं बाहर, कस्टमर ठंडा रहा है यार। सऊदी लोग का क्या है, सऊदी लोग एकदम गर्म रहते हैं यार, उतना कहवा पीते हैं कि कुछ कहने को नहीं। तो अभी हमने लिया है, ये है बिग बैग, आप देख रहे हैं बॉक्स देख रहे हैं। एक बिग बैग खा लो ना पेट एकदम फुल। पहली चीज मैं बता दूं, ये मैं अपने पैसे से नहीं खा रहा हूँ। एक्चुअली जब मैं यहाँ आ रहा था तो उस टाइम पे मुझे इब्राहिम ने 20 रियाल दिए थे, बोला कि कुछ खाना हो तो खा लेना क्योंकि जानता है। तो एक बिग बैग खा लिया ना फुल, तो मैंने एक बिग बैग लिया है और ये है शौरमा। अलबेग का शौरमा से अच्छा मैंने आज तक जाते ही शौरमा खाया होगा, बहुत ही तगड़ा शौरमा है अलबेग का। तो अभी इसको खाते हैं, उसके बाद देखते हैं क्या है क्या नहीं। अभी टाइम हो गया है 12:15 हो गया है। बहुत तेज़ सर्विस थी यहाँ की, मतलब कि तेज़ सर्विस के जब भीड़ ही नहीं है तो सर्विस तो तेज होगी ना। तो आपको दिखाते हैं बिग बैग। मैं एक बार लिया था भाई साहब, पूरा खा ही नहीं पाया था, देखिए इतना बड़ा है बिग बैग। नॉर्मली इसके है सैंडविच, लेकिन इतना बड़ा है कि इसको नाम रखा गया है बिग बैग। देखिए देख रहे हैं ना, पानी आ रहा है मुंह में, पूरी गाड़ी महक गई। देखिए आई आई क्या ही बोला जाए यार। आपकी अगर भूख लगे और आप ये खा लीजिए, मैं रहा नहीं जा रहा मुझसे, मैं एक बाइट ले लूंगा उसके बाद ही बात करूंगा आप लोगों से। है 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 है। भाई साहब चीज़ देख रहे, एकदम मेल्ट हो रही चीज़, चिकन के अंदर तक मसाला है। अभी आप लोग कमेंट करेंगे भाई प्राइस तो बता दिया करो कितने का है। जो बिग बैग है ये 12 रियाल का है और जो शौरमा है वो 5 रियाल का है। नहीं शौरमा में आपका पेट नहीं भरे, कम से कम 3-4 शौरमा खाना पड़ेगा। लेकिन टेस्ट भाई साहब, अगर आपका पेट भरा हो वो कुछ टेस्ट करने का मन हो, तीखा वाला शौरमा लो, बोल दो कि स्पाइसी शौरमा भाई साहब। ठीक है बाद में मिलते हैं, बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, वरना आप लोग की भी वीजे का अपडेट देना ना, खा के उसके बाद वीजे का अपडेट दे के उसके बाद कमेंट का रिप्लाई दे के वीडियो को एंड करते हैं। तो अभी मैं खा ही रहा था, आधा भी नहीं खत्म हुआ था, इब्राहिम का फ़ोन आ गया है। अब कहाँ जाना है मुझे नहीं मालूम है, लेकिन बोला है कम सेम प्लेस, मतलब मैं कॉफ़ी शॉप में छोड़ के आया था वहाँ बुला रहे हैं। हो सकता है बाबा ने मुझे फ़ोन किया था अभी थोड़ी देर पहले। एक्चुअली मुझे हाँ, आज मेरी सैलरी आई है, 26 तारीख है आज, एकदम राइट टाइम पे सैलरी आई है, 26 को आती है, 26 को ही आई है। उन्होंने बोला था कि इब्राहिम कहाँ है, मैंने कहा कॉफ़ी शॉप में है। तो बोलता जब बाबा बोले, जब वो आए बाहर उससे बोल देना कि बाबा ने कॉल किया है। तो हो सकता है उनका मतलब हो कि जल्दी आओ, देर मत करो, चलते हैं। Two hours later. So, दोस्तों अभी टाइम हो गया, 2 बज गया है और अभी मैं जस्ट आया हूँ। तो ठीक है वीडियो को एंड करते हैं। वीडियो को एंड करने से पहले आप लोग को एक अपडेट देते हैं। अभी कुछ ड्राइविंग के वीज़े आए हुए हैं, अगर आप में से कोई भी नया बंदा है, न्यू बंदा ड्राइविंग में जाना चाहता है तो जाके कॉन्टेक्ट कर सकते हैं इस नंबर पर। कुछ वीज़े कुवैत के हैं जो कि है रिटर्न ड्राइवर की, अगर आप में से कोई भी कुवैत जाना चाहता है, GCC कंट्री का लाइसेंस होना चाहिए, किसी भी गल्फ कंट्री का लाइसेंस हो, ड्राइविंग लाइसेंस आपके पास होना चाहिए, वैलिड होना चाहिए और रिटर्न हो, तो बढ़िया जाइए। अब बात करिए कुवैत जाना तो कुवैत जाइए, और नए बंदों के लिए सऊदी अरेबिया का वीज़ा आया हुआ है तो जाइए बात करिए। और ऐसे ही वीज़े के अपडेट के मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और आपके लिए आपको किसी भी प्रोफेशन का वीज़ा चाहिए तो फटाक से कमेंट करिए, या फिर मेरे इंस्टाग्राम पर आके कमेंट करिए, मुझे बात करिए, या फिर मैं जो नंबर दे रहा हूँ उस पर जाकर बात कर सकते हैं। अपने लिए जो भी वीज़ा चाहिए इनसे बोल दो, जब भी इनके पास वीज़ा आएगा तो आपको ये बता देंगे। तो ठीक है वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। आई होप आप लोग को पसंद आई हुई, पसंद आई तो लाइक कर दो, ठोक दो यार, और
चैनल पर नए सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं किसी न्यू वीडियो के साथ, न्यू व्लॉग के साथ। अल्लाह हाफिज़।